गणेश चतुर्थी कब से है, कौन से तिथि से मनाया जाए, कौन से दिनांक को मनाए, तो 6 सितंबर से ही गणेश चतुर्थी आरंभ हो रही, दोपहर में ही। इसका जो समय है दोपहर लगभग 3 बजे के लगभग दिन में आरंभ हो जाएगी। कल ही आरंभ होनी है गणेश चतुर्थी, और जो उसका समापन होगा, समाप्त तो होगी, वो गणेश चतुर्थी 7 तारीख को सायंकाल में 5:30 बजे के लगभग। तो प्रश्न ये उठेगा कि फिर हम कौन सी तिथि को पूजन करें गणेश जी का। तो गणेश जी का पूजन चतुर्थी तिथि में ही करना है। आप कल से ही आरंभ कर सकते हैं, कल रात में आप जो भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनके किसी स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी मनोकामना को लेकर कोई विशेष गणेश जी को प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप कल रात्रि से ही, मतलब 6 सितंबर से ही साधना को आरंभ करें। और जो पूजन करते हैं, विशेष पूजन करते हैं, महाराष्ट्र में 10 दिन का गणेश उत्सव मनाया जाता है, कर्नाटक में गणेश हब्बा करके इस नाम से जो है उत्सव मनाते हैं, और आंध्र प्रदेश में विनायक चतुर्थी ऐसा कुछ उनका व्रत जो है पर्व होता है। तो ये जो भाद्रपद जो माह में जो चतुर्थी आती है, तो ये जो चतुर्थी है ये गणेश जी का जन्मदिन माना जाता है, जयंती, गणेश जयंती मानी जाती है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो ये जो शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है, इसका बहुत अधिक महत्व है। तो पहला जो प्रश्न है सबका कि कौन से तारीख को हम, तो साधारणता सबको यही सबको पता है कि 7 तारीख को है, 7 तारीख को है। तो 7 तारीख को चक्कर में आप 6 तारीख का सिद्ध मुहूर्त जो है आप भूल जाओगे। तो इसलिए जो लोग साधना करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, वो कल से ही आरंभ करेंगे, और जो लोग पूजन करना चाहते हैं या गणेश मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, वो 7 तारीख से करेंगे, क्योंकि गणेश पूजा का जो महत्व है, या कुछ भी महत्व, उदय तिथि से मानते हैं। तो उदय तिथि जो, उदय माने सूर्योदय किस तिथि को हो रहा है, उस तिथि